हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कशन करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट की जो हमारी हर कैटेगरी के अंदर यूज होता है 99.9%। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गुलाबरी और गुलाब जल में क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही ब्रांड का डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, डिफरेंस करने वाले हैं एक ही ब्रांड के दो प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर हम बात करें, फर्स्ट है हमारी कैटेगरी के अंदर डाबर का गुलाबरी। अगर हम सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें, सेकेंड आता है हमारा डाबर का गुलाबरी फेस क्लींजर। एक ही दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंट है, दोनों का यूज डिफरेंट है, दोनों की क्वालिटी दी बेस्ट है, दोनों के रिजल्ट्स भी दी बेस्ट हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें डाबर की गुलाबरी। डाबर की एक जो ये गुलाबरी होती है दी बेस्ट, ये 100% प्योर होती है, पैराबिन फ्री होती है और डर्मालोजिक टेस्टेड होती है। मतलब एक लैब से टेस्टेड होती है जो आपकी आईज के लिए, आपके फेस के लिए और आपके लिए दी बेस्ट होती है, हमारी स्किन के लिए जो बेस्ट रिजल्ट्स हमें डिलीवर करती है हर कैटेगरी के अंदर। चाहे आपको अपने फेस को क्लींस करना हो, रिफ्रेश करना हो, या फिर कोई मसाज करनी हो, या एक्सेक्टर्स किसी पैक के अंदर मिक्स करना हो, या किसी भी ड्राई पैक के अंदर आपको जहाँ पे एक गुलाब जल की जरूरत होती है वहाँ पे ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है और 100% प्योर होने का हमें प्रूफ देती है, क्योंकि डाबर का भरोसा ही एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम बात करें इस क्वालिटी की, ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपकी आईज़ के अंदर डस्ट है उसको भी रिमूव करता है, उसके अंदर हम 2 से 3 ड्रॉप अपने आईज के अंदर प्रॉपर डाल सकते हैं, प्रॉपर बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है उस कैटेगरी के अंदर, बिकॉज ये डर्मालोजिक टेस्टेड है। हमारी आईज के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट का। अगर हम बात करें उससे ज़्यादा, ये प्रॉपर एक होम रेमेडीज प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ होता है। जैसे आप होम रेमेडीज़ के अंदर फेस पैक बनाते हो, स्क्रबिंग या कुछ भी एक्सेक्ट्रस बनाते हो, तो उसके अंदर दी बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है। एक हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी करता है, क्योंकि जब भी हम फेस के जितने भी हम होम रेमेडीज प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हाइड्रेट की जरूरत होती है हमारी स्किन को, उसके अंदर हाइड्रेट जनरेट करता है हमारी डाबर की गुलाबरी और ग्रिसलिन। दो एक ऐसे प्रोडक्ट हैं ये प्रॉपर जनरेट करते हैं हमारी फेस के अंदर प्रॉपर जनरेट करते हैं हाइड्रेशन, तो उस कैटेगरी के अंदर भी बेस्ट रिजल्ट हैं इसके, क्योंकि हमारी स्किन जितनी भी अनरिफ्रेश होती है, डर्ट स्किन होती है, उसको प्रॉपर क्लींस करने का काम भी करता है। मतलब अगर हमारी फेस के ऊपर कुछ डस्ट हो रही हो तो हम स्प्रे कर सकते हैं कॉटन के ऊपर, तो प्रॉपर रिमूव भी कर सकते हैं इसको। ये इसका बेस्ट फंक्शन है, बट इसका फंक्शंस मैनी ऑफ क्योर्स के अंदर है। मतलब आप मसाज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, होम रेमेडीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ये एक्सेक्ट्रस काफ़ी जगह यूज़ होता है, आपकी आईज़ के अंदर यूज़ होता है, फेस के ऊपर क्लीन करने में यूज़ होता है। मतलब बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है हमें हर कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, ये एक नेचुरल सा बिल्कुल वाटर जैसा होता है और प्रॉपर बेस्ट रिजल्ट हमें डिलीवर करता है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसकी पैकिंग चेंज हो गई है कुछ। ये स्पेशली अगर हम बात करें, ये एक ओल्ड स्किन टाइप प्रोडक्ट है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, मैन वुमेंस कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकती है, ये हर किसी के लिए सेफ है। प्लस 5+ ईयर्स एज के बाद ये प्रॉपर ओल्ड स्किन टाइप है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव टू सेंसिटिव क्यों ना हो। मतलब ये हर किसी के लिए बेस्ट है, आप यूज़ करके ट्राई कर सकते हो, 100% आपको बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करेगा ये प्रोडक्ट। हम बात करें, चाहे ये कितना भी सेफ है, बट अगर आपको इरिटेशन हो रही है कुछ भी होता है किसी भी प्रोडक्ट से, आपको इमीडिएटली उसको रिमूव कर देना है प्रॉपर, क्योंकि कभी कभी वैसे ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% हर किसी को सूटेबल है, बट 0.1% भी किसी को अनसुटेबल भी हो सकता है, तो आप उसको इरिटेशन अगर होती है तो आप एकदम रिमूव भी कर सकते हो। ये हमारी स्किन के ऊपर प्रॉपर ब्लश का काम भी करता है, एक ग्लो देता है, हाइड्रेशन स्किन देता है, हमारा पीएच बैलेंस तक लेवल करता है एक रोज़ वाटर, और डाबर का रोज़ वाटर तो फेमस है हर कैटेगरी के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हो डाबर का रोज़ वाटर। अगर हम इस प्रोडक्ट की वैल्यू देखें, 250 ml ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है 85 rupees के अंदर, जो बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हमें डिलीवर करता है, जिस रिजल्ट की हमें डिज़ायर होती है। 100% बेस्ट प्रोडक्ट है ये। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की। जो सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारा डाबर का गुलाबरी विथ फेस क्लींजर। मतलब इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस रह क्या जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप इसको अपनी आईज के अंदर तक ट्राई कर सकते हो। मतलब अगर आपकी आईज के अंदर कोई डस्ट या डर्ट आ जाती है तो उसके अंदर आप इसके 2 से 3 ड्रॉप डाल के उसको प्रॉपर क्लीन कर सकते हो। बट डाबर गुलाबरी जो स्प्रे फॉर्म में आता है इसको आप ट्राई नहीं कर सकते अपनी आईज के अंदर, बिकॉज इसके अंदर ये स्पेशली होता है हमारे फेस क्लींजर के लिए, मॉइस्चराइजर के लिए या फिर रिफ्रेशनिंग के लिए। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है ये हमारा, मतलब ये काफ़ी जगह यूज़ भी होता है, काफ़ी जगह यूज़ नहीं होता, क्योंकि स्पेशली हमारी स्किन के लिए होता है। अगर हम बात करें स्किन के लिए कि हमें अपने फेस की रिफ्रेशनिंग चाहिए या फिर अपने डर्ट को क्लीन करना है या फिर आपके अपने मेकअप को रिमूव करना है, उसके लिए दी बेस्ट प्रोडक्ट है ये। आपका मेकअप रिमूवर भी बनता है क्योंकि इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चराइजर भी होता है, तभी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है।
अगर हम बात करें, इसको हमने 3 डिवाइडेशन में किया है। अगर हम बात करें इसके अंदर हमें रोज वाटर तो एक्सट्रैक्ट होता ही होता है। अगर हम सेकंड बात करें, क्लींजर का भी हमारा काम करता है। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। अगर हम फर्स्ट बात करें क्लींजर की, अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डर्ट हुई हुई है, आपने हल्का सा लेना है और अपने फेस के ऊपर पूरा स्प्रे करना है। स्प्रे के बाद आप कॉटन से भी रिमूव कर सकते हो और किसी टॉवल के साथ भी। प्रॉपर आपको एक रिफ्रेशिंग सी लुक भी मिलेगी और बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करेगा और एक जेंटली सा लुक भी देगा आपकी स्किन को। बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है हमें क्लींजर की फॉर्म के अंदर भी। अगर हम सेकंड बात करें मॉइस्चराइजर का, मॉइस्चराइजिंग की, ये हमारी स्किन के ऊपर प्रॉपर डलनेस को रिमूव करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। आप सबको पता ही है कि जब भी हमारी स्किन हाइड्रेट होती है, हाइड्रेट होने से हमारी स्किन मॉइस्चराइज सा लुक बन जाती है। जब भी ये प्रॉपर हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को, जिससे हमारी ड्राइनेस और डलनेस प्रॉपर रिमूव हो जाती है और हमारी स्किन बन जाती है एक सॉफ्ट सी टच स्किन। तो मतलब बेस्ट रिजल्ट्स है मॉइस्चराइजिंग के अंदर भी। अगर हम थर्ड बात करें रिफ्रेशनिंग, आप जब भी इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करते हो तो आपको एक कूलिंग सा मेंथोल भी मिलता है। मतलब आपकी स्किन एक थोड़ी सी चिल्ड भी हो जाती है, जिससे आपकी स्किन एक रिफ्रेशनिंग प्रॉपर एक क्लीन स्किन मिलती है, जिससे हमें एक हेल्थी सा ग्लो भी मिलता है और उस कैटेगरी के अंदर भी इसका बेस्ट रिजल्ट है। अगर हम बात करें इसको यूजेस की, आपने अगर यूज करना है तो आपने सिंपल स्प्रे करना है इसको डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर, और आपको कॉटन या फिर टॉवल के साथ इसको प्रॉपर रिमूव करना है, वाइप आउट करना है, और आपकी स्किन को एक हेल्थी सा ग्लो भी मिलेगा और हाइड्रेट भी होगी। मतलब बेस्ट रिजल्ट है इस कैटेगरी के अंदर। बट हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर, दोनों के अंदर मेन डिफरेंस की, देखो हाइड्रेट दोनों करते हैं, बट इसका जो यूजेज है, इसका यूज मैक्सिमम ऑफ लेवल के ऊपर है, बट इसका जो यूज है ये हमारी स्किन तक ही है। मतलब इसको आप इंसर्ट, ये फॉर एक्सटर्नल यूज है, वैसे ये भी एक्सटर्नल यूज है, बट ये हमारी आईज के अंदर फिर भी यूज हो जाता है। बट इसको हम यूज नहीं करते बिकॉज इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी होता है और क्लींजर भी होता है। मतलब इसके अंदर थोड़े से केमिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं एज कंपैरिजन टू गुलाबरी। मतलब दोनों एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट, डाबर गुलाबरी और डाबर फेस क्लींजर, मतलब दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस ही इसके अंदर थोड़े से एक्सट्रैक्ट होते हैं इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये हमारा क्लींजर का काम करता है और ये हमारा प्रॉपर गुलाबरी का काम करता है। अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की वैल्यू की, 100 ml ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है 85 rupees के अंदर। मतलब अगर हम डाबर गुलाबरी से कंपैरिजन करें तो प्राइसिंग के अंदर भी थोड़ा सा अप होता है, ये फ्रेंड्स भी बहुत है और नहीं भी है। मतलब ये आपका नंबर ऑफ क्वेरीज के अंदर हम देख रहे बहुत ज़्यादा चलता है फेस पैक ये एक्सेट्रा काफ़ी जगह पे। क्लींजर ये एक फेस वॉश भी, आपका मॉइस्चराइजर भी है, एक रिफ्रेशर भी है। मतलब बेस्ट रिजल्ट्स है इस प्रोडक्ट के भी। इस प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशल मेंशन भी है कि आपको यूज नहीं करना अपनी आईज के अंदर, स्पेशली इसके ऊपर मेंशन भी है ये लाइन। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये वाला गुलाब जल कभी भी अपनी आईज के अंदर यूज नहीं करना। आप इस गुलाब जल को, जो ये वाला गुलाब जल आप यूज कर सकते हो 2 या 3 drops। बेस्ट रिजल्ट्स हैं दोनों प्रोडक्ट के अपनी कैटेगरी के लिए। आपको फेस क्लींजर के लिए चाहिए वैसे मैक्सिमम आपको ये यूज करना चाहिए। अगर आप फेस क्लींजर मॉइस्चराइजर के लिए यूज कर रहे हो हाइड्रेट के लिए, तो आप ये यूज कर सकते हो। आप इसको कभी भी प्योर गुलाबरी की तरह यूज नहीं कर सकते, उस कैटेगरी के अंदर ये नहीं माना जाता, बट बेस्ट प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी के लिए। तो ये थे हमारे दोनों प्रोडक्ट। होप सो आपको दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो, आपकी हर क्वेरी को फुलफिल करेंगे हम। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को कर सकते हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।